कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मेडल जीतने वाली दिव्या काकरान और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के बीच शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब दिव्या काकरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल सरकार पर नए आरोप लगाए हैं और उसे बेनकाब किया है। दिव्या काकरान ने बताया कि 2017 में मेडल जीतने के बाद उनकी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि साल 2017 में मेडल जीतने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिली थी। उन्होंने मुझे सुनिश्चित किया था कि अगर मैं लिखित तौर पर उनसे मदद मांगती हूं तो मुझे मदद जरूर मिलेगी। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर कभी मुझसे संपर्क नहीं किया। उन्होंने किसी तरह से मेरी मदद नहीं की। उन्होंने यात्रा, पोषण इत्यादि किसी भी चीज से मेरी मदद नहीं की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दिव्या काकरान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बधाई दी थी, लेकिन दिव्या ने केजरीवाल के बधाई संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने मन की बात कह दी। उन्होंने केजरीवाल सरकार से उनकी कोई मदद न करने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि उन्हें कोई सम्मान दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं मिला है। दिव्या के केजरीवाल को दिए गए इस जवाब पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन सौरभ भारद्वाज ने इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की और कहा कि दिव्या ने कभी दिल्ली से खेला ही नहीं, वो उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलती रही हैं। ऐसे में उन्हें योगी आदित्यनाथ से मदद मांगनी चाहिए। इस पर दिव्या ने जवाब देते हुए कहा कि वो 2011 से 2017 तक दिल्ली से खेलती रही थी। उन्होंने दिल्ली से खेलने का सबूत पेश करते हुए लिखा कि 2011 से 2017 तक मैं दिल्ली से खेलती थी। ये रहा सर्टिफिकेट दिल्ली स्टेट का। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता तो दिल्ली स्टेट से मेरे पास 17 गोल्ड है, मेरा वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करूं। अब दिव्या ने अरविंद केजरीवाल सरकार की पोल खोली है। उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय से कुश्ती लड़ रही हूं। मैं लड़कियों के साथ कुश्ती लड़ती तो कोई मुझे पैसा नहीं देता, इसलिए मैं अपने पोषण के लिए लड़कों से लड़ी। साल 2017 तक मैंने दिल्ली को 58 मेडल दिलवाए। दिव्या ने आगे कहा कि मैं काफी गरीब परिवेश से आती हूं। मेरे पास यात्रा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने बुरे दिन को याद करते हुए कहा कि मैं ट्रेन में बने टॉयलेट के पास बैठकर सफर करती थी। दिल्ली सरकार ने कभी हमारी मदद नहीं की है। मैंने साल 2018 से यूपी के लिए लड़ना शुरू किया, लेकिन दिव्या ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ की है। कुश्ती खिलाड़ी ने बताया कि साल 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया। साल 2020 में उन्होंने हमें आजीवन पेंशन दिया। बीते दिनों उन्होंने 50 लाख रुपए और ऑफिसर रैंक का पद मुझे दिया। यूपी सरकार ने मेरी मदद की, यहाँ तक कि हरियाणा सरकार ने भी मदद की, लेकिन दिल्ली ने कभी मदद नहीं की है। भारतीय युवा पहलवान दिव्या काकरान ने राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की कुश्ती प्रतियोगिता के 68 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल पदक जीता था। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी नेताओं की इसकी भी पोल खोली। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब दिव्या काकरान ने अरविंद केजरीवाल से अपनी शिकायत की हो। साल 2018 में एशियन गेम्स में जब दिव्या काकरान ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी, तब भी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना दर्द जाहिर किया था। तब उन्होंने कहा था, मैंने 19 साल की उम्र में देश को गोल्ड मेडल दिलाया और लगातार दिल्ली को 12 मेडल दिए। तब केजरीवाल ने कहा था मुझे भविष्य में मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।